पर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। झुंझुनू के गुड़ा गोर्जे में व्यापारी पर फायरिंग का ये पूरा मामला है। गुड़ा गोर्जे में व्यापारी पर फायरिंग की गई है, अज्ञात बाइक सवार युवकों ने फायरिंग की है। और देखिए हमले में बाल बाल बचा है व्यापारी जितेंद्र गुप्ता। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बुड़की चौराहा मुख्य बाजार में जितेंद्र की दुकान पर 50 लाख की फिरौती की व्यापारी को पर्ची भी थमाई गई है। साथ ही में देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो गोली है उसकी तस्वीर और सबसे पहले की जो पर्ची है ये आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। झुंझुनू के गुड़ा गोर्जे में व्यापारी पर फायरिंग की गई है और साथ ही में फिरौती की रकम के लिए एक पर्ची भी छोड़ी गई है। हालांकि देखिए इस फायरिंग के दौरान जो व्यापारी है बाल बाल बच गया है, अज्ञात बाइक सवार युवकों ने इस फायरिंग को अंजाम दिया है और साथ ही में 2 राउंड फायर किए गए हैं और ये गोली आपको देख पा रहे होंगे और साथ ही में ये पर्ची, ये नोट जो कि छोड़ा गया है दुकान पर जिसमें 50 लाख की फिरौती की डिमांड भी की गई है। फायर किया गया और उसने पर्ची पकड़ाई में देखने लगा, इतने में फायर किया, फायर करते में नीचे बैठ गया और फिर वो भाग गए। मैं उसके पीछे में आवाज भी लगाई लेकिन वो निकल चुके थे और बिना नंबरों की गाड़ी थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी मनोज भी जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ कहा गया व्यापारी के द्वारा, क्या वो जानता था कोई पुरानी रंजिश का मामला? ऐसे आपको बता दूं मैं, ये व्यापारी जितेंद्र के भाई राजेंद्र के ऊपर पिछले साल 16 सितंबर को इसके हमला किया गया था, उसके 90,000 रुपए लूट कर ले गए थे, उसी से जुड़ा हुआ मामला है। वही लोग थे, उन्होंने 50 लाख फिरौती और मामले को सुलझाने के उसके की बात की, पर्ची पकड़ाई, इन्होंने पर्ची पकड़ाते 3 राउंड फायर किए, व्यापारी छुप गए नीचे और बाइक पे सवार होकर भाग गए। मनोज, अब से कितने देर पहले की पूरी घटना है? 3:15 बजे की घटना है। क्या कुछ कहना है प्रशासन का अभी, व्यापारी को क्या कोई सुरक्षा दी गई है पुलिस के द्वारा? पुलिस की मुस्तैदी हो गई है, पुलिस घुड़ा पुलिस मौके पे पहुंच गई है और 2-3 गाड़ियां और पहुंची है पुलिस की और चारों तरफ नाकाबंदी करवाई है। बिल्कुल मनोज, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।